फाइनली दोस्तों वन प्लस कंपनी का नया फ़ोन वन प्लस 3T इंडिया में लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, चलिए बड़ी खुशी की बात है। आप इसको 14 दिसंबर से सेल शुरू हो जाएगी अमेजन एक्सक्लूसिव पे, वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं वन प्लस 3T फ़ोन को। लेकिन दोस्तों हम इससे पहले जानेंगे कंपनी ने ये इतना बड़ा यू टर्न किस लिए लिया है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल AU टेक्नो में, मतलब कि आम यूज़र टेक्नोलॉजी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले कि वन प्लस 3T, जैसा कि आप देख सकते हैं वन प्लस 3 की जो कीमत थी वो 27,999 64 GB वेरियंट की, और वन प्लस 3T की कीमत है 64 GB वेरियंट की 29,999 रुपये। जी दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कंपनी ने नया फ़ोन अपना लॉन्च कर दिया है। लेकिन मैं पर्सनली एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मुझे आज तक कभी भी किसी नए फ़ोन के लॉन्च होने से इतना दुख नहीं हुआ है जितना कि वन प्लस 3T के लॉन्च होने से हुआ है, क्योंकि मैंने खुद अभी 2 महीने पहले वन प्लस 3 फ़ोन खरीदा है। लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि वन प्लस 3T लॉन्च हो गया है, जो कि वन प्लस 3 का अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड वर्जन में हम देख लेते हैं दोस्तों की चलिए क्या क्या है। जैसे कि आप स्पेक्स में देख सकते हैं, हर चीज़ मुझे यहाँ पे सेम लग रही है, टेक्नोलॉजी 2G बैंड, 3G, 4G, स्पीड आपका सब कुछ सेम है। अनाउंस्ड ये हुआ था नवंबर 2016 में, आपका UK और US में आपका ये सेल होना शुरू हो गया था नवंबर में। अभी जो इंडिया में लॉन्च होगा वो 14 दिसंबर को लॉन्च होगा, तो आप अगर चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं। और ये आपका ये वन प्लस 3 है, जून 2016 में आपका लॉन्च हुआ था। बाकी डायमेंशन में 1 इंच का भी चेंज नहीं किया गया है, डायमेंशन सेम है, वेट सेम है, बाकी रेजोल्यूशन वगैरह भी सब कुछ सेम है, स्क्रीन भी सेम है। और बाकी देखते हैं कि यहाँ पे जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सब कुछ सेम ही सेम दिखाई दे रहा है। बाकी अगर डिफरेंट कुछ है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो वन प्लस 3 अपग्रेडेड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन इसको क्यों कहा गया है, सबसे पहले तो इसमें प्रोसेसर चेंज किया गया है। प्रोसेसर कैसे चेंज किया गया है, 820 स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का जो प्रोसेसर था 820, वो वन प्लस 3 में आपको मिलता था, लेकिन वन प्लस 3T में आपको स्नैपड्रैगन का 821 प्रोसेसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वन प्लस 3 में जो आपको 820 स्नैपड्रैगन दिया गया था प्रोसेसर, मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो एकदम स्मूथ चल रहा था। लेकिन कंपनी बोलती है अब कि 821 प्रोसेसर दिया गया, ये और ज़्यादा स्मूथ चलेगा। बाकी देखिए, क्वालकॉम की तरफ से भी ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि जो 821 प्रोसेसर है वो 820 के मुकाबले ज़्यादा चलता है, ज़्यादा ठीक चलता है, और फ़ोन को ज़्यादा कूल रखता है, हॉट नहीं होता है फ़ोन, हीट नहीं करता है फ़ोन। चलिए दोस्तों, इस बात को भी मान लेते हैं। बाकी जो दूसरा मेजर चेंज इसमें दिया गया है, दूसरा मेजर चेंज मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा मेजर चेंज इसमें आपको दिया गया कैमरे के मामले में। जो फ्रंट कैमरा है आपका, इसमें वन प्लस 3 में 8 मेगापिक्सल का था, और आपका वन प्लस 3T में 16 मेगापिक्सल का दिया गया। चलिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कैमरे को डबल ही कर दिया गया। बाकी जो रियर कैमरा है वो इनका सेम है, वन प्लस 3 का और वन प्लस 3T का। बाकी हम अगले डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। अगला डिफरेंस इसमें दिया गया बैटरी का। वन प्लस 3 में जो बैटरी थी वो 3000 mAh की थी, और आपका जो वन प्लस 3T में है वो बैटरी दी गई है 3400 mAh की। तो दोस्तों ये सिर्फ इतना ही डिफरेंस है जो कि आपको दिया गया है वन प्लस 3T के बारे में, और ये इसको बोला गया है कंपनी की तरफ से अपग्रेडेड वर्जन। तो दोस्तों देखिए, चलिए बात करते हैं अब उन लोगों के बारे में जिन्होंने वन प्लस 3 खरीद लिया। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी 1 महीने पहले ही वन प्लस 3 खरीदा है, अब उनके बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास वन प्लस 3 फोन है जैसे कि मेरे पास है, मुझे पर्सनली बताऊँ, फोन को यूज़ करते हुए फोन के अंदर सिर्फ 3 कमियाँ लगती थी। फ़ोन को जब मैंने यूज़ किया है 2 महीने से, तो मुझे सिर्फ 3 ही कमियाँ लगी है। सबसे पहली कमी है वो डिस्प्ले की कमी है। ठीक है, डिस्प्ले आपका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जैसे कंपनी बोलती है, फ्लैगशिप फ़ोन कंपनी दिया हुआ है कम प्राइस में, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। दोस्तों आपको याद होगा, जब वन प्लस 3 फ़ोन लॉन्च हुआ तो लॉन्च होने के कुछ दिनों बाद ही कंपनी ने एक अपडेट दी थी फ़ोन के अंदर, ताकि क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर्स की ये प्रॉब्लम आ रही थी फ़ोन में, कलर रिप्रोडक्शन ठीक नहीं हो रहा था, कलर मैचिंग नहीं हो रहा था, कहीं पर ज़्यादा व्हाइट हो रहा था, कहीं पर ज़्यादा ब्लैक, कहीं पर ज़्यादा ग्रीन, तो कलर रिप्रोडक्शन सही नहीं था। तो इसके रिगार्डिंग कंपनी ने फोन के जस्ट लॉन्च होते ही वन प्लस 3 के, जब वन प्लस 3 लॉन्च हुआ था, उसके जस्ट 1 मंथ के अंदर अपडेट दे दी थी, जिससे वो सब कुछ सेटल हो गया था। तो चलिए दोस्तों देखिए, डिस्प्ले मुझे इसमें नहीं लगती थी कि वन प्लस 3 की डिस्प्ले इसमें कोई कामयाब डिस्प्ले है या एक फ्लैगशिप फोन के हिसाब के डिस्प्ले, लेकिन वन प्लस 3T में भी ऐसा कुछ चेंज नहीं किया गया। वन प्लस 3T में भी सेम वही डिस्प्ले है आपका, ये ओमलेट डिस्प्ले है। और बाकी दूसरी चीज जो मुझे लगती थी वो डैश चार्जिंग के बारे में दोस्तों, मुझे ये सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगती थी वन प्लस 3 के अंदर। मुझे लगा था कि अगर वन प्लस 3 कोई अपना न्यू फोन लॉन्च करेगा, फ्लैगशिप फोन लॉन्च करेगा नेक्स्ट वन प्लस 4
की उम्मीद में लगाए बैठा हुआ था कि नेक्स्ट ईयर वन प्लस फोर लॉन्च होगा, तो दोस्तों इसमें डैश चार्जिंग को हटा देगा। लेकिन अभी वन प्लस थ्री टी लॉन्च हुआ है जो कि अपग्रेडेड वर्जन कंपनी की तरफ से है, उसमें भी डैश चार्जिंग एज इट इज है। इसके बारे में कंपनी का कहना है, कंपनी इसके बारे में कहती है कि अगर आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का फास्ट चार्जिंग यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका फोन फास्ट चार्ज होता है, लेकिन जब आप फोन को यूज करते हैं तो उस समय फोन की जो चार्जिंग स्पीड है वो बहुत लो हो जाती है, सिग्निफिकेंटली लो हो जाती है। लेकिन डैश चार्जिंग में ऐसा नहीं है, डैश चार्जिंग के अंदर अगर आप फोन को यूज करते हुए भी आप फोन को चार्ज करते हैं तो उसके अंदर जो फोन की चार्जिंग स्पीड है वो इतनी ही बनी रहती है, उसमें बताया गया ये चीज। और तीसरी चीज दोस्तों जो मुझे लगती थी इसके अंदर वन प्लस थ्री के अंदर यूज करते हुए, तीसरी चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, तीसरी चीज देखिए ऐसी है जो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं और इसको आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कैमरा क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी बेशक वन प्लस थ्री की एक फ्लैगशिप फोन के हिसाब की बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अभी रियर कैमरा देखिए दोस्तों, रियर कैमरे में भी कुछ चेंजेस दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन रियर कैमरे में दिया गया है, और प्लस जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल से 16 मेगापिक्सल कर दिया गया है। तो दोस्तों देखिए ये जो चेंजेस हैं माइनर चेंजेस हैं एक तरीके से, लेकिन फिर भी फोन को ये अच्छा स्पीड देने में ये हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों लेकिन अभी बात करते हैं हम एक फ्लैगशिप फोन के बारे में। मान लीजिए वन प्लस थ्री, वन प्लस कंपनी ने वन प्लस थ्री अपना फोन लॉन्च किया था फ्लैगशिप फोन कहकर कि फ्लैगशिप फोन है इसके अंदर, और 2016 का देखिए मेरे हिसाब से सबसे जो बेस्ट फोन है वो वन प्लस थ्री ही रहा होगा इन कमियों के बावजूद भी। वन प्लस थ्री 2016 का आप उसको सबसे बेस्ट फोन कह सकते हैं, लेकिन जब कंपनी ने फोन रिलीज किया था वन प्लस थ्री, उस समय कंपनी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि ये बेस्ट फोन है, ये ऐसा फोन है, इस फोन जैसा और कोई फोन है ही नहीं, इतने हम कम प्राइस पॉइंट में आपको एक फ्लैगशिप फोन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अभी वन प्लस थ्री टी के लॉन्च होते ही वो सारी चीजें बदल गई है। अब कंपनी बोलती है कि वन प्लस थ्री के अंदर ये कमी थी, हमने वन प्लस थ्री टी के अंदर ये चीज़ सुधार दी है, इस चीज़ को हमने इम्प्रूव किया है। अब दोस्तों हमें नहीं पता लगता है कि हम उस टाइम के दावों को माने या अब के दावों को माने। दोस्तों देखिए चलिए कोई नहीं, वो तो कंपनी की खुद की बात है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई कंपनी फ्लैगशिप फोन बनाती है, कोई कंपनी अगर फ्लैगशिप फोन बनाती है तो हर 4 महीने या 3 महीने 5 महीने के अंदर फ्लैगशिप फोन चेंज नहीं होता है, कम से कम 1 साल का वक्त दिया जाता है कि चलिए ठीक है। या तो कंपनी, हो सकता है कि कंपनी को आदत नहीं है अभी फ्लैगशिप फोन बनाने की, धीरे धीरे सीख रही है, बड़ी कंपनियों से उसको सीखना चाहिए। अपनी गलतियों से, अपनी गलतियों में सुधार करने का मतलब ये नहीं है कि अपने कस्टमर्स जो कंज्यूमर्स है जिन्होंने फोन खरीद लिया उनको परेशानी में डाला जाए। अभी दोस्तों अगर मेरे पास वन प्लस थ्री है तो मैं बिल्कुल सोचूंगा कि मेरे पास मुझे वन प्लस थ्री टी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी 2 महीने पहले खरीदा है 27,999 का, लेकिन अभी जो प्राइस है इसका 64 GB वेरियंट का वो 29,999 रुपीज है, और जो आपका 128 GB वर्जन भी एक नया निकाला है वन प्लस थ्री टी का, और जो 128 GB वर्जन वेरियंट की कीमत है वो आपका लगभग 34,999 रुपये होगी। तो दोस्तों मुझे भी लगता है कि मुझे वन प्लस थ्री टी के लिए जाना चाहिए, लेकिन अभी मैंने वन प्लस थ्री खरीदा है, लेकिन मैं दोस्तों अभी इस कंपनी पे मेरा बिल्कुल इस मामले में यकीन नहीं रहा है, तो मैं अभी इसको नहीं खरीदूंगा, क्योंकि अभी जो र्यूमर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर जनवरी में स्नैपड्रैगन का 830 प्रोसेसर भी लॉन्च हो सकता है। 830 प्रोसेसर अगर आ जाता है तो हो सकता है कि अभी कंपनी ने वन प्लस थ्री टी लॉन्च किया है और अभी 1 महीने बाद सीधा जनवरी में कोई वन प्लस फोर, वन प्लस थ्री एस, वन प्लस थ्री जेड नाम से कोई फोन लॉन्च ना कर दे ये बोल के कि इसमें प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 830 दिया गया है और उसके बाद आप अब इसको खरीद लीजिएगा। वन प्लस थ्री टी में तो हमने ये कमियां थी, हमने ये खराबी छोड़ दी थी उसमें वन प्लस थ्री टी में, लेकिन अब हम नेक्स्ट फोन में वो चीज सुधार रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं वन प्लस थ्री टी के लिए पर्सनली नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर का वेट करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि अब 1, 2 या 3 महीने बाद स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो 830 जिसके लॉन्च होने की खबरें अभी जोरों शोरों पर है कि वो लॉन्च हो जाएगा, तो हो सकता है कि उसके साथ फोन कंपनी कोई नया फोन लॉन्च कर दे। तो दोस्तों देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं अगर आप भी वन प्लस थ्री आपने परचेज किया हुआ है या आप भी वन प्लस थ्री चला रहे हैं तो आप दोस्तों नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या वन प्लस थ्री टी एक लीगल अपग्रेड है आपके अकॉर्डिंग, कि कंपनी को देना चाहिए कि अपग्रेड के अकॉर्डिंग, या फिर अगर आप नहीं भी हैं वन प्लस थ्री आप यूजर नहीं भी हैं तब भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके हिसाब से जो ये अपग्रेड है ये कितना वैलिड है और कितना वैलिड नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी जब फोन लॉन्च हो जाएगा जैसा कि डेट दी गई है 14 दिसंबर को, आप अमेजन एक्सक्लूसिव से सेल शुरू हो जाएगी वन प्लस थ्री टी की, आप वहां से इस फोन को खरीद सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही ये फोन हमारे पास आ जाता है इसके बारे में हम रिव्यू बाकी चलाने के बाद दोस्तों पता चलेगा कि क्या कंपनी ने अपग्रेड दिया, क्योंकि वन प्लस थ्री को चलाते हुए मुझे अभी 2 मंथ्स हो चुके हैं, मुझे बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आई है फोन, ये रियलिटी में ही फोन बेस्ट है बाकी फोन के मुकाबले। लेकिन दोस्तों अभी वन प्लस थ्री टी जब चलाएंगे तो उसके बाद पता चलेगा, बाकी उसका रिव्यू आपको डिटेल रिव्यू उसके बाद देंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अगर आप पाना चाहते हैं वन प्लस थ्री टी के बारे में आगे भी ऐसे रिव्यूज पाना चाहते हैं या वन प्लस थ्री टी के डिटेल रिव्यू आप पाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल को। दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।